नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 10 बार विधायक और 7 बार सांसद रह चुके, एक बार रक्षा मंत्री रहे दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव को गुजरे हुए अब 13 दिन हो चुके हैं। 10 अक्टूबर की सुबह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में नेताजी ने अंतिम सांसें ली। बीते लंबे वक्त से वह कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और गंभीर बीमारियों के चलते ही नेताजी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 11 अक्टूबर के दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया उनके पैतृक गांव सैफई में, और उस वक्त न सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि पूरे ही देशभर से राजनीतिक गलियारों में मशहूर कई दिग्गज और वरिष्ठ नेता उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सैफई पहुंचे थे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे ही परिवार का सहारा बने और साथ ही साथ उन्होंने बेहद बड़ी अनाउंसमेंट भी की थी। उन्होंने 3 दिवसीय राजकीय शोक रखा था उत्तर प्रदेश में, और अब दिवाली का खास मौका है और दीपावली का त्योहार जो पूरे ही देश भर में बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जाता है, लेकिन आज दिवाली का त्योहार यहाँ पर यादव परिवार के लिए कितना दर्द भरा है ये आप समझ ही सकते हैं। इस वक्त अंदर से बुरी तरह से टूटे हुए हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साथ उनके छोटे भाई प्रतीक यादव। पूरा ही कुनबा परिवार इस वक्त काफी ज्यादा गहरे सदमे में है और अपने दिल के दर्द को बयां कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर योगी सरकार पूरे परिवार का सहारा बनी हुई है, और इस बीच कई बड़े बड़े यहाँ पर दावे भी किए जा रहे हैं और कई बड़ी घोषणा भी की जा चुकी है। जिस तरीके से हम सभी ने देखा कि जब भारत की स्वर को लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, उनके गुजर जाने के बाद ना सिर्फ देश भर में बल्कि विदेश में भी उनके नाम पर कई बड़ी घोषणाएं की गई थी, और अब मुलायम सिंह यादव की याद में जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। खैर, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन आपको याद दिला देते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे वह मुलायम सिंह यादव की कोठी पर, उस वक्त वह अखिलेश यादव का सहारा बने और साथ ही साथ यहाँ पर उनके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी भी अखिलेश यादव का सहारा बनते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने फोन पर उनसे बातचीत की। वहीं बच्चन फैमिली के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री से लेकर महाराष्ट्र के तमाम दिग्गज नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री और यहाँ पर अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं भी की जा रही हैं। हाल ही में जो खबर सामने आई उस पर अगर गौर किया जाए तो बलिया के बीजेपी सांसद ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको इसके बारे में बताया ही था। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के नाम पर एक संवाद सभागार बनाने का फैसला किया। बताया ये गया कि वीरेंद्र सिंह इस सभागार के लिए 25 लाख रुपए दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के निवेदन पर बलिया कचहरी में न्यायाधीशों से अनुमति के बाद मुलायम सिंह यादव की याद में अब उनके नाम पर संवाद सभागार बनाया जाएगा, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि संघ के कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने इस सभागार का नामकरण मुलायम सिंह यादव के नाम पर किया है। इतना ही नहीं, आपको बताते चले, ये दावा किया गया कि 25 लाख रुपए दिए गए हैं और ये वकीलों का निवेदन था। अब देखना होगा कि किस तरीके से वह मुलायम सिंह यादव की याद में उन्हें श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की और किस तरीके से उनकी याद में यहाँ पर अब सभागार संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने बेहद बड़ी घोषणा कर दी है। मुलायम सिंह यादव के नाम पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, खैर ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन दिवाली के मौके पर भी योगी आदित्यनाथ पूरे ही परिवार के साथ सहारा बनते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर उन्हें जन्मदिन विश करने भी उनके घर पहुंचते थे और साथ ही साथ दिवाली के मौके पर भी उनके घर नजर आते थे। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ के अहम फैसले देखे जा सकते हैं। पहले से ही अपर्णा विष्ट यादव के साथ उनका गहरा रिश्ता है, बहन मानते हैं अपर्णा विष्ट यादव को, साथ ही साथ डिम्पल यादव को भी, और इस तरीके से पूरा ही परिवार इस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ देखा जा सकता है, और बीजेपी यहाँ पर उनका सहारा बनी हुई है राजनीतिक समीकरणों से हटकर। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।